हाय एवरीबॉडी, लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट वन सीखा था। आज हम सीख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट टू। पार्ट वन में दोस्तों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और उनका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जब हम बताते हैं कि कल मैं उससे मिला, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना हमने सीखा था। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हमको सवाल पूछना हो कि भूतकाल में कोई बात हुई थी, पास्ट में कोई काम हुआ था, कोई बात उसके बारे में अगर हमको पूछना हो कि क्या तुम कल कॉलेज गए थे, इस तरह के सेंटेंसेस, क्या तुमने खाना खाया, तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर बोलने हो तो हम कैसे बोल सकते हैं, यही दोस्तों आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये रहा स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जो बना है दोस्तों वो इंटरोगेट वर्ड से बना है। इंटरोगेट का मीनिंग होता है पूछताछ करना, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई सवाल पूछते हो उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों दो तरह के सेंटेंस होते हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनमें हाँ का भाव हो। जैसे अगर हमें पूछना है किसी से कि क्या आपने खाना खा लिया, तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और क्या आपने खाना नहीं खाया, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, पहले आएगा डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये सब क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिड तो पास्ट टेंस है डू का, तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है तो डिड इसमें यूज होगा। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सेब एक उपयोगी फल है, बड़ा ही अच्छा या स्वादिष्ट फल है, द एप्पल इज अ डिलीशियस फ्रूट, तो इसमें सेब के बारे में कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि वो एक स्वादिष्ट फल है, तो इसमें सेब यानी कि एप्पल ही हमारा सब्जेक्ट होगा। द एप्पल इज अ डिलीशियस फ्रूट में एप्पल ही सब्जेक्ट होगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ डू का पास्ट टेंस डिड बना चुके हैं, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जब हम वर्ब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते, जब हम उसमें एस या ईएस नहीं लगाते, डी या ईडी नहीं लगाते, आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो जैसे जितने भी जैसे मीट, स्लीप, ये सब फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होता है मेट, स्लेप्ट, ऐसे, तो हमको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का कि जिस उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसका असर जिस पर पड़ता हो उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ अपने वीडियोस में कि जैसे पेन है मेरे पास, अगर मैं इस पेन को गिरा दूँ तो ये जो गिराना, ये जो क्रिया है ड्रॉप, इसका असर किस पर होगा? पेन पर होगा। तो अगर ऐसा सेंटेंस बनता है कि आई ड्रॉप्ड द पेन, तो इस सेंटेंस में ड्रॉप का असर पेन पर हो रहा है, इसलिए पेन ही इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जिसके ऊपर उस सेंटेंस में हो रहे काम का असर दिखाया जाता हो कि इस पर काम का असर हुआ है। अदर वर्ड्स में दोस्तों हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस, वो डिपेंड करेगा कि हम अदर वर्ड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखना चाहते हैं और एक्चुअली सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है अदर वर्ड्स देने की, तभी ही हमको अदर वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, वरना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक का होता है। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ नॉट कहाँ पर ऐड होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड होगा। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी को दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना हो, और एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव का ये बनेगा डिडंट, यानी ये जो डिड और नॉट है उसको आप एक साथ लिख देंगे। डिड और नॉट को यहाँ लिख दिया डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर से अब हम आते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो पहला है आई, आई का मतलब होता है मैं, उसके बाद है वी, वी का मतलब होता है हम या हम सब या हम लोग, उसके बाद है यू। यू की दोस्तों दो मीनिंग हो सकती है, तुम या आप या तुम सब या आप सब। यू सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, दोनों में इस्तेमाल होता है, दोनों में इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है। उसके बाद है ही का मतलब है वह, किसी भी एक सिंगल लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है शी जिसका मीनिंग होता है वह, किसी भी एक सिंगल लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है इट जिसका मीनिंग होता है यह,
ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु के लिए एक अगर है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है दे, दे का मीनिंग होता है वे या वे सब या वे लोग, और ये किसी भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, बुक्स, मीटिंग्स, चैलेंजेस, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि आप ही, शी, इट और दे की जगह पर किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी अपना सब्जेक्ट सेंटेंस में हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्ट्रक्चर्स और ये रहे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कुछ एक सेंटेंसेस बनाए आपके लिए, कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या उसने तुम्हारी मदद की, क्या उसने तुम्हारी मदद की, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव। तो ये रहा दोस्तों स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस ऐसे बनाए, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की। और अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, तो वो सेंटेंस बना डिड ही नॉट हेल्प यू। तो दोस्तों यहां लिखा मैंने डिड ही नॉट हेल्प यू। इसी को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में कहना हो तो हम कहेंगे डिडंट ही हेल्प यू। तो दोस्तों यहाँ लिखा डिडंट ही हेल्प यू। ऐसे बनते दोस्तों सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस आप दुनिया का बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब अगर हमको बोलना हो कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, अगर ये पूछना हो कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, पहले हमने पूछा क्या उसने तुम्हारी मदद की, फिर हमने सीखा कि उसने तुम्हारी, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, और अब कोई पूछ रहा है कि उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, तो क्यों जो है दोस्तों ये एक क्वेश्चन वर्ड है। तो मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेस, इनको आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, या इन्हीं को WH वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये WH से ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं। तो ये एक एक वर्ड हो सकते हैं या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो इनको क्वेश्चन फ्रेजेस कहा जाएगा। तो इनको क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स या WH वर्ड्स कह सकते हैं, या क्वेश्चन फ्रेजेस, इंट्रोगेटिव फ्रेजेस कह सकते हैं। तो पहला है दोस्तों हु, हु का मतलब होता है कौन। उसके बाद है हुज, हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। फिर है हुम, हुम का मतलब होता है किसको या किससे, जैसे हम कहते हैं ना आप वहाँ किससे मिलके आए। विच का भी मतलब होता है कौन, विच अगर अकेले यूज हो सिंगल सेंटेंस में और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो हमेशा नॉन लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है, और हु लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ, फिर है व्हेन जिसका मीनिंग होता है कब, फिर है व्हाट जिसका मीनिंग होता है क्या, फिर है व्हाई जिसका मीनिंग होता है क्यों, फिर है हाउ जिसका मीनिंग होता है कैसे। उसके बाद दोस्तों फ्रेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेजेस, जैसे है हाउ मच यानी कितना। हाउ मच दोस्तों हमेशा सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी जिसका मीनिंग है कितने, तो हाउ मैनी हम काउंटेबल नाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे जिनको हम गिन सकते हैं। फिर है विद होम जिसका मीनिंग है किसके साथ, एंड फॉर होम जिसका मीनिंग है किसके लिए। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेज हैं, अगर आपको इनको यूज़ करना हो सेंटेंस में तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हमको क्या करना होता है कि ये जो भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस आपने लिखा है उसके बिल्कुल पहले वो क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फ्रेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और हम सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। यही तरीका है इसको सीखने का, ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि अगर हमको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना हो। कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अगर मुझे क्यों भी लिखना है तो अब मैं क्या करूं, कहीं सेंटेंस में कोई बदलाव तो नहीं मुझे करना पड़ेगा, कहीं मुझे कुछ स्ट्रक्चर में चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड उठाना है और यहाँ उसके पहले लगा देना है। तो जैसे यहाँ पूछा गया जा रहा था कि क्या उसने तुम्हारी मदद की, डिड ही हेल्प यू, उसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस बना कि क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, डिड ही नॉट हेल्प यू, और फिर हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा डिडंट ही हेल्प यू। अब अगर पूछना उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, तो क्यों को बोलते हैं वाई, तो वहाँ से वाई उठाया और यहाँ पे लगा दिया वाई डिडंट ही हेल्प यू, वाई डिडंट ही हेल्प यू। तो हमने सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं किया। तो ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अब जैसे कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने उसको सच बात बताई, क्या तुमने उसको सच्चाई बताई या जो सच बात थी वो बताई। Did you tell her the truth? ऐसे बना दोस्तों, Did you tell her the truth? The truth other words में आ रहा है, क्या truth का मतलब होता है सच्चाई, तो Did you tell her the truth? क्या तुमने उसको सच्चाई बताई, इसका negative sentence, क्या तुमने उसको सच्चाई नहीं बताई। Did you not
टेल हर द ट्रूथ, डिड यू नॉट टेल हर द ट्रूथ। इसी का दोस्तों अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना हो, डिडंट यू टेल हर द ट्रूथ, क्या तुमने उसको सच्चाई नहीं बताई। और अगर हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना हो कि नहीं तुमने उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई, तो मैंने ये इधर लगा दिया वाई, वाई डिडंट यू टेल हर द ट्रूथ। तो ऐसे बनते दोस्तों ये सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर को देखना है, एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ यूज करेंगे ये देखना है, और सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको थोड़े से और भी सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ कि इसी टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, और अगर हमको क्वेश्चन वर्ड भी या कोई क्वेश्चन फ्रेज यूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल ये बन सकता है कि कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या तुम उससे मिले, कोई किसी से मिलने वाला था तो उसके लिए पूछ रहा है कोई, क्या आप उससे मिले, तो ये बनेगा डिड यू मीट हिम, अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। तो मान लेते हैं कि लड़की है तो ऐसे बनेगा सेंटेंस, डिड यू मीट हर, क्या आप उससे मिले। अब इसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं कि आप उससे कब मिले, तो कब के लिए दोस्तों होता है व्हेन, तो हम क्या करेंगे व्हेन उठा के यहां पे लगा देंगे और ये सेंटेंस ज्यो का त्यों वैसे लिख देंगे, व्हेन डिड यू मीट हर, तो व्हेन डिड यू मीट हर, ऐसे पूछा जा सकता है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप उसके उससे किसके साथ मिले, क्या आप किसी के साथ थे, किसके साथ आप उससे मिले, विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, तो आप लिख सकते हैं विद हुम, ये एक क्वेश्चन फ्रेज है जो हमने, जो हमारा बेसिक सेंटेंस या स्ट्रक्चर है उसके पहले यूज किया, विद हुम डिड यू मीट हर, विद हुम डिड यू मीट हर, कि आप उससे किसके साथ मिले, यानी जब आप मिले उससे तो क्या आपके साथ कोई था। और भी अलग सेंटेंसेस बना, अलग प्रकार के सेंटेंसेस दोस्तों हम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहा है कि क्या तुमने कल कोई पार्टी दी, क्या तुमने कल कोई पार्टी दी, पार्टी देने को थ्रो अ पार्टी बोलते हैं, तो डिड यू थ्रो अ पार्टी यस्टरडे, यस्टरडे एक एडवर्ब है दोस्तों जो अदर वर्ड्स की जगह पे आएगा, ऐसे बनेगा डिड यू थ्रो अ पार्टी यस्टरडे, यस्टरडे एक एडवर्ब है जो अदर वर्ड्स की जगह पर आ रहा है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लो, क्या तुमने कल पार्टी नहीं दी, तो हम लिखेंगे डिड यू नॉट थ्रो अ पार्टी यस्टरडे, डिड यू नॉट थ्रो अ पार्टी यस्टरडे, कि क्या कल आपने पार्टी नहीं दी, डिड यू नॉट थ्रो अ पार्टी यस्टरडे। और अगर वो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कि आपने कल पार्टी नहीं दी, तो ऐसे बोलेंगे डिडंट यू थ्रो अ पार्टी यस्टरडे, डिडंट, मतलब ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम होगा, ये फुल फॉर्म में लिखा जा रहा है और अब जो लिख रहा हूँ मैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि डिडंट यू थ्रो अ पार्टी यस्टरडे। और अगर दोस्तों बोलना हो कि आपने कल पार्टी क्यों नहीं दी, तो क्यों नहीं को क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, तो वाई हमको यहां बिल्कुल पहले यूज करना है, why didn't you throw a party yesterday, कि आपने कल पार्टी क्यों नहीं दी। तो दोस्तों ऐसे ही आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, स्ट्रक्चर आपके पास है ही, आपको जब भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको ये इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर और भी सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बनाएंगे और उनको बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी और उतनी आसानी से आप इंग्लिश में बोल या लिख सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंग्लिश में लिखना या बोलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ जो भी सेंटेंस बोलना है या लिखना है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और आपने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो आप बड़ी आसानी से इंग्लिश को लिख या बोल सकते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत होती है, ज़रा सा, और आप बहुत ही स्ट्रक्चर देखना है, उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश में लिखना और बोलना है, कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नया स्ट्रक्चर या एक नया सेंटेंस या ग्रामर का कोई नया टॉपिक
या प्रोनंसिएशन का कोई नया रूल आपको बताऊंगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बात कह दूं कि मेरे चैनल पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं, जिनमें ग्रामर के टॉपिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, स्पोकन के टॉपिक्स की अलग प्लेलिस्ट है। तो मेरे चैनल पे जाके आप जो भी चीज़ आपको सीखनी है, जिस भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप निकाल के सीख सकते हैं। और अगर आपको किसी अलग प्रकार का कोई सेंटेंस बनाना सीखना है, आप चाहते हैं मैं ग्रामर का कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे उसके बारे में, तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा साथ दिया, इतने टाइम मेरे साथ रहे। अगले वीडियो में आपको एक नई बात बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।